इस समय हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जिघैनी नाके पर हैं, और हम आपको बता दें कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि लगातार जो है भारी बारिश के चलते है जो है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। इस समय हम जिघैनी नाके पर हैं, और जहां पर जो है जितने भी अमरनाथ यात्री जो हैं वो उनको जहां पर रोक दिया गया है, और जो भी कश्मीर की तरफ जो है रुख कर रहा है उनको जहां पर लगातार जो है वो रोक दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि वैष्णो देवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा, और जितने भी स्कूल किश्तवाड़, डोडा, रजौरी, कठुआ, उधमपुर में जो जितने भी स्कूल हैं उनको फ़िलहाल के लिए जो है बंद कर दिया गया है। तो हम भी आपसे ये आग्रह करते हैं कि कोई भी यात्री जो है वो अपना सफ़र जो है वो ना करे, क्योंकि लगातार बारिश के चलते जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है बार बार ये अपील की जा रही है कि कोई भी यात्री जो है वो अपना सफ़र ना करे, क्योंकि जिस तरीके से हम नेशनल हाईवे की बात करें तो लगातार जो है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। हम बात करें अगर श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, तो वो भी जो है लैंडस्लाइड के चलते जो है वो बंद साइड जो है वो फिलहाल के लिए बंद साइड तो चल रहा है, लेकिन बंद साइड के लिए बंद कर दिया गया है। तो जिस तरीके से आप जहां से जिघैनी नाके से जो है वो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो यात्री हैं अमरनाथ जाने वाले यात्री जो हैं वो जहाँ पर रुके हुए हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो हम ये आग्रह करते हैं कि कोई भी यात्री जो है वो अपना सफ़र जो है नेशनल हाईवे के ऊपर ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें अगर जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे की, तो वो भी लैंडस्लाइड के चलते जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। अगर बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट जो कठुआ में जो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो है एक पुल जो है वो पानी के तेज बहाव से जो है वो बह जाता है, और उसको उसके चलते जो है जो हमारा पठानकोट जम्मू जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी जो है पूरी तरह से बंद जो है वो हो चुका है। तो हम हमारे साथ जहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश अमरोहा जिला। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? कसीरनगर यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए। नहीं, हम काम करने के लिए जाते हैं। काम करने के लिए? तो अभी क्या बोल रहे हैं जहाँ पे? रास्ता बंद है। तो रास्ता आपको कब चला ये रास्ता बंद है? हम यहाँ रात आए थे और रास्ता हम यहीं रुके हुए हैं। तो कब आए थे आप वहाँ से? घर से कल निकले थे हम। अच्छा, कल निकले थे। हाँ, हम तो रास्ते यहाँ ही अभी तक। तो प्रशासन तो बार बार ये अपील कर रहा है कि यात्री अपना सफ़र ना करें, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि काफ़ी जो है लैंडस्लाइड एरिया है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कभी भी बंद हो सकता है। तो फिर आपने ये नहीं सोचा पहले? नहीं, हमें मालूम नहीं था, हमें पता होता तो हम वापसी भी चले जाते। अब वापसी क्या एग्जाम है? तो अब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे प्रशासन को आप? रास्ता बंद है, सभी अभी मत आए। तो जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि अभी रास्ता बंद है, तो कोई भी यात्री जो है वो सफ़र ना करे, क्योंकि मेरे साथ जहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो हैं। जी, क्या नाम है आपका? राम जी भाई। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। कहाँ जा रहे हैं? अमरनाथ जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए? हाँ। तो कब निकले थे गुजरात से? कल निकले थे हम। तो कल निकले थे? हाँ। गुजरात से? जम्मू? नहीं, जम्मू से। कल जम्मू से निकले थे? हाँ। तो वो बंद है रास्ता, तो पड़ा है इधर खड़ा हूँ कल। अभी अभी क्या बोल रहे हैं जहाँ पे? हाँ, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। वो जाम बांध के आगे यात्रा नहीं होता, वहाँ तक जाने दे, अच्छी बात है। तो पीछे भी है ना खाने की व्यवस्था? पीछे भी? पीछे नहीं है, लंगर हम जाके आए, 250 रुपये रिक्शा का खर्च करके देख के आए। वो छोटा लंगर है, यात्रा जाने नहीं दे रहे हैं, फिर तो आगे भी कहाँ लंगर की व्यवस्था होगी? तो अभी रुकने की ऐसी कोई प्रशासन ने व्यवस्था तो की होगी? तो लंगर पीछे भी है, उधर रुक सकते थे आप, मंदिर में रुक सकते। अंदर पीछे नहीं है, लंगर बहुत छोटा है। व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से? नहीं, हाल तो कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं अभी तो कुछ नहीं है। इधर क्या बोल रहे हैं आप? हैं इधर क्या बोल रहे हैं आपको? क्या पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं कि लैंडिंग हो रही है, वो खत्म होगा तो तब जाने आगे तो नहीं जा सकते ना। हाँ, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो रही है। बस इधर यात्रा जरूरी है या अपनी जिंदगी जरूरी है? इधर खड़े रहो, ये बोल रहा है जिंदगी जरूरी है। हेलो। तो जिस तरीके से जो अमरनाथ के यात्रा जो चल रही थी उसको फ़िलहाल के लिए प्रशासन की तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो यात्री निकल चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी परेशानी का संभव जो बन चुका है। जहां पर आप देख सकते हैं कि बंद साइड से जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो अमरनाथ यात्रु हैं जो कश्मीर की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ हैं शायद उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। और बाकी की हम बात करें जहाँ पर
लोकल जो जहाँ से चनैनी सुदमा देव के लिए उन गाड़ियों को जहाँ से छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन बंड साइड हम बात करें, बंड साइड पूरी तरह से जो है नेशनल हाईवे जो है बंद किया जा रहा है। तो हम ये अपील करेंगे आपसे भी कि कोई भी यात्री जो है अपना नेशनल हाईवे के ऊपर सफ़र ना करे, क्योंकि उनको भी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ, मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त।